जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आर्क फाइनेंस, जिसको एआरसी फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें लोअर सर्किट लंबा खींचते चले जा रहा है। ऐसे में जो लोग काफ़ी ऊपरी लेवल पर बाई करके इसमें फंसे हुए हैं, उनके लिए एक सिर दर्द बनते जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी निचले लेवल से उठना शुरू हुआ था और काफ़ी ऊंचाई तक गया था। ऐसे में इसके अपट्रेंड ग्राफ को देखकर काफ़ी सारे लोगों ने दबा के शेयर खरीदे, लेकिन सही समय पर निकल नहीं पाए तो फंसे हुए हैं। तो आइए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोअर सर्किट कितना लंबा चलेगा, हमें कब तक इसमें फंसे रहना होगा, कितना नुकसान होगा, हमें आगे क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ का जवाब आपको एकदम आसान भाषा में दूंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, जो कंपनी का मार्केट कैप 195 करोड़ है, जैसा कि आप जानते हैं, एक पेनी स्टॉक है, काफी तो नहीं लेकिन फिर भी छोटी कंपनी है। शेयर प्राइस 38.55 रुपया, आज के दिन का शेयर प्राइस है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि इसमें रेड सिग्नल में अभी है, अर्थात नीचे की तरफ जा रहा है। हाई लगा चुका है 67 रुपये का, और समझिए ये हाई लगाया था 23 फरवरी को। 23 फरवरी के बाद से इसमें लोअर सर्किट लगा, और लोअर सर्किट लगा तब से शेयर प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, और 67 रुपये से कम होकर अभी कहाँ तक आ गया है, 38.55 रुपया तक। आप समझेंगे लोअर सर्किट में भी इसमें 30,45,000 लोग आज अपना सेलिंग ऑर्डर डाले हुए हैं, जबकि इनको पता है कि लोअर सर्किट लगाए तो बेच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें 30,45,000 लोग इसको ज़बरदस्ती बेचना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने दबा के शेयर खरीदा था ऊपरी लेवल पर, और अब नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो निकलना चाहते हैं। अब इस लोअर सर्किट चलते एक सप्ताह में लगभग 22% यह शेयर टूट चुका है, और एक माह में -6.88% अभी तक टूटा है। देखिए अभी एक माह नहीं हुआ है, 23 फरवरी से अभी तक आप देखेंगे तो एक माह नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक माह तक इसमें लोअर सर्किट लगातार बना ही रहेगा, इतना लंबा लोअर सर्किट नहीं चलेगा, बहुत उम्मीद है कि अगले सप्ताह से लोअर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यह जो 6% सिर्फ टूटा है ना, अभी लगभग थोड़ा सा ये और टूटेगा, कम से कम 15-20% तक तो आराम से टूटेगा। यहाँ समझिए सपोर्ट लेवल जो इसका पहला था 40.55 रुपया, यहाँ नहीं ठहरा तो यहाँ तक 34.15 रुपया जो इसका दूसरा सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक ठहरेगा, इसकी संभावना भी बहुत कम है। हालांकि RSI देखेंगे 39 के आसपास आ गया है, और यह आराम से कम 25 के आसपास तो जरूर आएगा, 25-30 के आसपास आएगा, उसके बाद ही अपर सर्किट लगने की कुछ संभावना है। और जब तक RSI 25 के आसपास आएगा या 30 के आसपास आएगा, शेयर प्राइस आराम से 30 के नीचे चला गया रहेगा, और 30 के नीचे जब शेयर प्राइस जाएगा तो आराम से यह भी अपना 20-25% तक एक माह का रिटर्न टूट चुका रहेगा, और जब शेयर इतना टूट जाएगा उसके बाद इसमें अपर सर्किट लगेगा, शेयर प्राइस ऊपर जाने लगेगा। अब आप समझिए, थोड़ा सा आपको एक जानकारी देता हूँ, नवंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक कह सकते हैं करीब करीब 4 साल तक इसमें कोई ट्रेडिंग कोई काम नहीं हुआ। आप ग्राफ में देखेंगे एकदम शेयर का प्राइस सपाट पड़ा रहा, ना उठा ना डोला ना कुछ हुआ, लेकिन दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर से शेयर में तेजी आना शुरू हुआ। देखिए पेनी स्टॉक की यही खासियत होती है, एकदम सुसुप्त ज्वालामुखी की तरफ पड़े रहते हैं, और जब विस्फोट होते हैं तो भयानक रिटर्न देते हैं। 24 दिसंबर से उठना शुरू हुआ, इस दिन इसका प्राइस था 8.5 रुपया, और 8.5 रुपया से उठकर आ गया एक बार 67 रुपया, लगभग 8 गुना से भी ज़्यादा इसने पैसों किया बहुत कम समय में। तो जब भयानक इसमें तेजी लोगों ने देखा तो दबा के पैसा लगाया, शेयर खरीदा, लेकिन सही समय पर लोग निकल नहीं पाए। तो आप समझिए अब आप क्या कर सकते हैं अगर फंस गए हैं, तो समझेंगे शेयर प्राइस अभी नीचे जा रहा है, अभी आ गया 38.55 रुपया तक, और आराम से ये 30 रुपये के आसपास आएगा या 25 रुपये के आसपास तक जरूर आएगा। जैसे ये 30 रुपये के आसपास तक आता है, 30 रुपये तक, आप इसमें क्या कीजिए, अगर फंसे हुए तो एवरेजिंग करना शुरू कर दीजिए। एवरेजिंग करने का क्या मतलब हुआ, अगर आपका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है और शेयर प्राइस डाउन जा रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा और उसको बाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो एवरेजिंग प्राइस है कम होते जाएगा, और जब फिर शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो थोड़ा जैसे ऊपर बढ़ेगा आपको प्रॉफिट होने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको एवरेजिंग का मतलब समझ में आ रहा होगा। यहां देखेंगे 80% लोग अभी बाई करने के लिए कह रहे हैं, यह बाई करने के लिए, नया बाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं, इनका कहना है एवरेजिंग करने के लिए। आपको एवरेजिंग करने के लिए भी तो नया शेयर बाई करना पड़ेगा ना, तो ये वो लोग हैं जो इसको बाई करने के लिए, अभी इस लेवल पर तो बाई करने के लिए कोई सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी देखने लगता है नीचे की तरफ शेयर प्राइस आ रहा है, अभी और डाउन आएगा। अगर आप नया है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आराम से RSI 25 के आसपास आने दीजिए, वहां पर आप नया इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। और 10% ही लोग ऐसे हैं जो सेल करने के लिए कह रहे हैं, तो अभी तो लोअर सर्किट है तो सेल ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, और चूंकि नुकसान हो रहा है तो सेल करने के लिए वही लोग कहेंगे जिसको, जो अभी नुकसान में है। यहाँ समझिए इसमें प्रमोटर्स के पास बहुत कम हिस्सेदारी है, जैसे कि पेनी स्टॉक है तो प्रमोटर्स कम रहेंगे, रिटेल वालों के पास मैक्सिमम शेयर से लगभग 88% की हिस्सेदारी है, और इसका जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है, जैसे कि पेनी स्टॉक का फंडामेंटल आपको पता है अच्छा नहीं होता है। सालाना स्तर पर देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट हुआ है, प्रॉफिट में भी गिरावट हुआ है, हालांकि प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो जो Q3 का रिजल्ट आया था कंपनी का, उसमें कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, रेवेन्यू उसमें भी कम था। और एक अच्छी बात है, कंपनी का एसेट जो है, कंपनी की खुद की संपत्ति, वो साल दर साल थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ रहा है, इस बार भी बढ़ा है। तो सिर्फ असेट्स बढ़ने से कुछ नहीं होता, कंपनी का जो रेवेन्यू है मेन, वो बढ़ना चाहिए और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सब कंपनी में नहीं बढ़ रहा है। और देखिए
अगर आपको इसमें लॉस हो रहा है, आप फंसे हुए हैं, तो आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले तो एवरेजिंग कीजिए। जहाँ से भी 20-25 रुपए के आसपास से उठना शुरू होगा तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप एवरेजिंग किए रहेगा तो जैसे प्रॉफिट होगा आप बेच के निकल जाइएगा, ये आपके लिए एक फायदा हो जाएगा। नहीं एवरेजिंग करना चाहते हैं तो कम से कम क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने तक आप इंतजार कीजिए। क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा, अगर अच्छा आएगा उसके बाद फिर उम्मीद है कि ये जो हाई लगाया है 67 रुपए का अपने हाई से ऊपर जाए। फिलहाल क्वार्टर फोर के पहले ये अपने हाई को ब्रेक कर देगा, ऐसी संभावना एकदम 0% है। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को मत चुनिए, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया 4 साल तक ये देखे कंपनी एकदम सुसुप्त पड़ा हुआ था, इसमें कोई ट्रेडिंग कोई काम धंधा नहीं हुआ। तो हो सकता है ऐसा आगे भी हो। पेनी स्टॉक में होता ही है कि जब क्वार्टरली रिजल्ट कोई अच्छा आ जाता है तो ऑपरेटर्स वहाँ हावी होते हैं और शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ उठा देते हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे तो बेहतर होगा किसी पेनी स्टॉक को अगर देखना है तो किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को देखिए। इससे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जहां आप पैसा लगाकर अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं इसको छोड़ के। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं, मेरा कोई दबाव नहीं है, मेरा कोई सेल एंड बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, जो आपको ठीक लगे कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।